अपनी क्लास सेकंड की, ठीक है। पल्लव हिंदी पाठ माला दिख रही है सब बच्चों को अपनी बुक? आपके पास भी है ना, सबके पास बुक है? वेरी गुड। चलो बुक ओपन करेंगे अपन। करो ओपन, आप भी करो मेरे साथ साथ, आप भी करो बुक ओपन। लेसन नंबर वन दिख गया आपको? लेसन नंबर वन का नेम राइट हुआ है यहाँ पे, सुना कहानी दिख रहा है आपको? सुना कहानी करो आप भी, जल्दी जल्दी करो आप भी। हो गया? वेरी गुड। टर्न ओवर करो पेज को। पेज नंबर आए आपके सिक्स, ये यहाँ पे अभ्यास लिखा हुआ है आपके, दिख रहा है सबको? यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। यहाँ तीन क्वेश्चन है आपके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। अपनी कॉपी निकाल लो, पेंसिल निकाल लो सब बच्चे, ठीक है। अपना बॉक्स ले लो, अब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है अपने पास, क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? तो लगता है क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? सबको पाठ में पढ़ा था अपने कि हम सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है, तो हाँ हमको कहानी सुनना अच्छा लगता है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। कर रहे हो आप कॉपी में? करो कॉपी में आप भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू है अपने पास, परियां जब जाग रही थी सारी दुनिया क्या कर रही थी? क्या कर रही थी परियां जब जाग रही थी? सारी दुनिया सो रही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? परियां जब जाग रही थी सारी दुनिया सो रही थी। इतना बड़ा देख के डरना नहीं है, आधा तो अपने को क्वेश्चन में से ही लिखना है, ठीक है ना। ये सब तो क्वेश्चन में से ही लिखना है। परियां जब जाग रही थी तो सारी दुनिया क्या की जगह क्या करना है? सो रही थी, ठीक है ना। आ रहा है आपको भी समझ में? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे अपन। इस कविता के कवि का नाम बताइए। मैंने बताया था आपको जब अपने लेसन पढ़ा था लास्ट में, जब लेसन फिनिश हुआ था तब रहता है ना कवि का नाम, बताया था मैंने आपको, प्रयाग शुक्ल। तो क्या है कवि का नाम? क्या है इस कविता के कवि का नाम? प्रयाग शुक्ल है। आ रहा है समझ में आपको भी? लिख रहे हो ना आप भी कॉपी में? सब बच्चे कर रहे हो कॉपी में? वेरी गुड। देख लो तीनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तीनों के आंसर लिखे हुए हैं, आप भी अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए, ठीक है।